तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकी सीजन 2 के बारे में। लोकी सीजन 2 का ट्रेलर हिंदी में लॉन्च हो चुका है और दोस्तों मैंने इसे देख भी लिया है। तो चलिए इसके कुछ डिटेल्स के बारे में पता करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही लंबे समय बाद मार्वल कुछ अच्छा चीज देने जा रहा है। और आपने अगर इसका ट्रेलर देखा भी होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने ये डिटेल नोटिस नहीं की होगी। तो चलिए दोस्तों ट्रेलर के डिटेल के बारे में जानते हैं और ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लोकी सीजन 2 में हमें मेनली ये 4-5 कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं, जो कि है विक्टर टॉमली, सिल्वी, ओबी, लोकी और मोबियस। दोस्तों कहानी हो सकती है कि इन्हीं के इर्द गिर्द चले। और हाँ दोस्तों, कहानी का एक मेन कैरेक्टर भी होगा जो कि मे बी कैंग द कॉन्करर होगा, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेलर में कैंग द कॉन्करर के भी बहुत से हिंट दिए गए हैं। शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इस ट्रेलर में कैंग से रिलेटेड बहुत से हिंट हैं, जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है ओबी से, जहां ओबी कहता है कि ये टाइम स्लीपिंग है, जिसके बारे में उसने सुना तो है लेकिन वो इसे ठीक करना नहीं जानता। और दोस्तों इस सीन में ओबी ये भी बोलता है कि ये टीवीए में नहीं होता। और दोस्तों आप जानते हैं कि अभी टाइम को छेड़छाड़ करने की काम ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज कर सकते हैं और न ही टीवीए वाले कर रहे हैं। तो दोस्तों टाइम को छेड़छाड़ करने का काम आखिर हो किस कर सकता है? दोस्तों आप जानते हैं कि टाइम को छेड़छाड़ करने का काम कैंग द कॉन्करर का ही हो सकता है, क्योंकि टाइम में आगे पीछे जाने की पावर्स उसी के पास हैं। और दोस्तों एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के लास्ट सीन में हमने देखा था कि कैंग द कॉन्करर के बहुत से वेरिएंट हैं, जो कि आगे जाके तबाही फैला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो के पहली डिटेल। जहां हम बात करें अगर दूसरे डिटेल की, तो दूसरे डिटेल में हमें लोकी के दो वेरिएंट एक साथ दिखाए जाते हैं, जहां पर लोकी टेलीपोर्ट होकर टाइम स्लीपिंग से पहुंच जाता है और जैसे ही वो अपने वेरिएंट से हेलो बोलता है वो वहां से गायब हो जाता है। तो दोस्तों मैं भी हो सकता है कि इसमें हमें लोकी के एक से ज्यादा वेरिएंट देखने को मिले और वो शायद एक साथ मिलकर काम करें। दोस्तों मेरे थ्योरी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कैंग द कॉन्करर को एंटमैन से एक हेल्प चाहिए थी, वैसे ही कैंग द कॉन्करर को लोकी से भी कुछ मदद चाहिए, जिसके लिए वो उसे अपने इलाके में ले जाना चाहता है और उससे कुछ हेल्प लेना चाहता है। क्योंकि दोस्तों टीवीए और डॉक्टर स्ट्रेंज के सिवा अभी कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता या टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों अभी किसी के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं है। दोस्तों आगे इस सीन में हमें कैंग द कॉन्करर की एक इमेज दिखाई जाती है, जो कि दोस्तों एक सुप्रीम कॉन्करर होता है, जो हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया मूवी के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिले थे, जो कि 3 सबसे बड़े मेजर कैंग द कॉन्करर थे। तो दोस्तों उन्हीं में से एक की तस्वीर यहाँ छपी हुई है, जिसमें लोकी एक शॉट को घुसा देता है और वहां से हमें कैंग का चेहरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये कैंग द कॉन्करर का कोई स्पेशल प्लेस हो जहाँ पर लोकी पहुंच गया है। और इसी सीन में हमें एक कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जो कि एक फीमेल की है। तो दोस्तों अगर आप इसके हेलमेट को ठीक से देखेंगे तो ये कुछ कैंग द कॉन्करर जैसा ही मैच होता है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर की फीमेल वर्जन हो। तो दोस्तों बाकी ये क्या है ये तो हमें लोकी सीजन 2 के आने के बाद ही पता चलेगा, जो कि 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि लोकी एक स्टेटमेंट देता है और बोलता है कि अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जहां पर दोस्तों मे बी ऐसा हो सकता है कि लोकी एक बार कैंग से मिला हो और उसने उसकी पूरी पावर्स को देखा हो। जहां पर दोस्तों हमें इस ट्रेलर में कैंग का दूसरा वेरिएंट भी दिखाया जाता है, जिसका नाम विक्टर टॉमली है। तो हो सकता है दोस्तों ये भी कैंग द कॉन्करर का ही एक वेरिएंट हो, जो बहुत ही पावरफुल हो, क्योंकि हमें लोकी के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि लोकी को कैंग द कॉन्करर के पावर्स के बारे में अच्छे से पता है और वो सबको इसके बारे में अवेयर करना चाहता है, ताकि सभी हीरोज कैंग द कॉन्करर को रोक सकें, क्योंकि लोकी साफ बोलता है कि अगर ये सब हुआ तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों अगले सीन में जहां हमें लोकी का एक फाइट सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो दोस्तों काफी हद तक कैंग द कॉन्करर के एरिया से मैच हो रहा है, मतलब कि क्वांटम रियलम के एरिया से मैच हो रहा है, जो कि हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में देखा था। तो दोस्तों इसके बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि इसमें कैंग द कॉन्करर का भी अटैक होगा और लोकी कैसे भी करके कैंग से फाइट करेगा। मेन कैंग द कॉन्करर से नहीं, लेकिन उसके किसी भी वेरिएंट से लोकी का सामना जरूर होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें एक सीन में वॉल के ऊपर कैंग की तस्वीर भी दिखाई देती है, जिसके ऊपर लोकी इशारा करता है और वो मोबियस को कैंग द कॉन्करर की तस्वीर दिखा के कुछ समझाना चाहता है। तो दोस्तों इसमें लोकी का सामना कैंग द कॉन्करर के किसी वेरिएंट से जरूर होगा, ये तो श्योर है। और तो और इसमें हमें एक सीन में जहां पर ये बंदा स्पेस सूट पहनकर कहीं जा रहा होता है, यहां हमें टाइमलाइन जैसा कुछ दिखाई देता है। अब दोस्तों ये करेक्ट क्या है ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये दो ही चीज हो सकती है, पहला या तो टूटी हुई टाइमलाइन या तो दूसरा ये कैंग द कॉन्करर का टूटा हुआ शिप, जिसके पावर सोर्स के लिए उसने एंटमैन को किडनैप किया था और एंटमैन से हाइस्ट कराया था। तो दोस्तों ये दोनों चीजें इस सीन में दिखाया गया इस चीज से मैच करती हैं। अब बाकी आगे क्या है ये लोकी सीजन 2 के आने के बाद पता चलेगा। दोस्तों इसमें कैंग द कॉन्करर की पॉसिबिलिटीज इस बात से और बढ़ जाती है, जहां पर लोकी ट्रेलर में ये बोलता है कि ये वही है
जहां लोकी विक्टर टॉमली को देखकर यही बोलता है कि ये वही है। मतलब कि दोस्तों लोकी ने कैंग द कॉन्करर को और कहीं देखा है या उससे और कहीं मिल चुका है, इसलिए दोस्तों लोकी उसे आसानी से पहचान लेता है और बोलता है कि ये वही है। जहां पर विक्टर टॉमली स्टेज में खड़े होकर अपने कुछ पावर्स का यूज करता है जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। हो सकता है कि आगे जाके लोकी कैंग द कॉन्करर के बारे में मोबियस को एक्सप्लेन करे और उसके बारे में बहुत से डिटेल्स दे। अगले सीन में दोस्तों हमें एक फाइट सीन दिखाया जाता है जहां पर एक स्पेसशिप आकर सीधा अटैक करता है और उसके पीछे का जो एरिया होता है वो हमें पूरा का पूरा क्वांटम रियलम जैसा दिखाई देता है, जहां पर एंटमैन और कैंग द कॉन्करर की फाइट हुई थी। तो दोस्तों इस ट्रेलर में जितने भी मेजर डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको कुछ डिटेल पता चली हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।